नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं खेल जगत की सुर्खियों पर। क्रिकेट के प्रति बच्चों के लगाव पर बोले सचिन तेंदुलकर, मैं गरीब बच्चों की क्रिकेट खेलने में करना चाहता हूं मदद। मध्यम वर्गीय परिवार से क्रिकेट में आए थे तेंदुलकर। रियो ओलंपिक के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का ऐलान, ऋतु रानी की जगह सुशीला को बनाया गया कप्तान, दीपिका ने संभाली उप कप्तान की कमान। रियो ओलंपिक के लिए पुरुष हॉकी टीम की कमान गोलकीपर पीआर श्रीजेश के हाथ, सरदार सिंह से वापस ली गई टीम की कप्तानी, एसवी सुनील बने टीम के उप कप्तान। टीम इंडिया के हेड कोच अनिल कुंबले ने खिलाड़ियों के लिए बनाए कड़े नियम, देरी से आने पर खिलाड़ियों पर लगेगा जुर्माना। टीम के साथ वेस्टइंडीज के दौरे पर हैं कुंबले। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और दूसरे स्थान पर टीम इंडिया बरकरार, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान ने बनाई जगह। ऑलराउंडर्स की सूची में शीर्ष पर पहुंचे रविचंद्रन अश्विन। और कबड्डी को लेकर पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने की घोषणा, राज्य के 14 स्थानों में कराई जाएगी 6वीं विश्व कप कबड्डी प्रतियोगिता, रूपनगर में होगा समारोह उद्घाटन और जलालाबाद में होगा समापन। ये तो हुई खेल जगत की खबरें, खबरें और भी हैं, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।